बवाल भी देखने को मिला है। जी हाँ, प्रत्याशी और वोटर ने निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ग्राम रामचौरा में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहे। प्रत्याशी ने बताया कि अधिकारी वोट नहीं देने दे रहे। तो नगर निकाय चुनाव में जमकर बवाल हुआ है। पंथरा के ग्राम रामचौरा में मतदान को लेकर यह बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रत्याशी और वोटर्स ने निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद रामचौरा में भारी पुलिस बल मुस्तैद रही है। एजेंट हम गणेश के। अच्छा, ठीक। तो किसके साथ ये हुआ जी? किसके साथ हुआ? अरे कई लोगों के साथ हुआ, इनके साथ हुआ। आइए, आप आइए, आप बताइए। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, तो आपकी मोहर जो है पीठासीन अधिकारी ने लगाई है? हाँ, वही लगाए ना अपने हाथ। आपने नहीं कहा कि हम अपनी डालेंगे? नहीं दिया, नहीं जबरदस्ती लगाया? जबरदस्ती लगाए, हमको नहीं दिया। तो गोरखपुर में 11 बजे तक 24% वोटिंग हुई है। प्रयागराज में भी लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। तो आपको बता दें कि 1 बजे तक का आंकड़ा जो है वो जारी हो चुका है। हम आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। वही अमरोहा में फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर पथराव भी हुआ है, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी ने हमसे साझा की कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस पथराव में घायल भी हुए हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में बताई गई है। मारपीट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। अमरोहा के थाना गजरौला कस्बे का यह पूरा मामला बताया गया है, जहां पर भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। फर्जी वोटिंग को लेकर यह पथराव हुआ है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग भी घायल हैं। तो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब जारी हो चुका है। वाराणसी में 1 बजे तक 24.15% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद में भी अगर 1 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28.99% वोटिंग, तो फिरोजाबाद में 33.33% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो वही राजधानी लखनऊ में भी वोटिंग लगातार जारी है। आगरा में 26.04% मतदान हुआ है। तो झांसी की जनता ने 30.53% अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि रामपुर में 27% वोटिंग हुई है। और बिजनौर में 40% की जनता ने तकरीबन अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो प्रयागराज में 1 बजे तक 17.27% वोटिंग हुई है, लेकिन शाम तक ये आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं अब वो मतदान स्थल पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जारी हो चुका है, 7 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो क्या लगता है कि अभी वोटिंग के आंकड़े और कितने बढ़ेंगे? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज बात करें तो प्रदेश भर में जो जहां भी फर्स्ट फेज में मतदान हो रहा है, वहां पर जो तमाम वोटर्स हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि वोट परसेंटेज में काफी इजाफा देखने को मिला। अगर बात करें 9 बजे से और 11 बजे की तुलना में, तो 11 बजे से और 1 बजे की तुलना में भारी संख्या में लोग वोट दिए हैं। अगर बात की जाए तो आज 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है, और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें मुस्कान, तो अगर देखें तो लखनऊ में आज सुबह 9 बजे 5.96% मतदान हुआ था। वहीं अब अगर बात करें तो 11 बजे अगर बात करें तो 13.65% मतदान हुआ था, और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 1 बजे का मतदान परसेंटेज सामने नहीं आ पाया है। अब 3 बजे में अपडेटेड मतदान की परसेंटेज सामने होंगे। आपको बता दें अगर बात करें तो पहले चरण में जो 37 जिले में मतदान हो रहा है, वहां पर अगर देखें तो 11 से और 1 के बीच में भारी संख्या में लोग वोट देते हुए नजर आए हैं। और बात करें तो इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए आज अगर देखें तो हर एक वर्ग हो, चाहे अगर बात करें तो बुजुर्ग हो, चाहे बात करें तो महिलाएं हो, चाहे बात की जाए पुरुष हो, चाहे बात की जाए युवाओं हो, हर एक वर्ग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और अपना गुप्त मतदान कर रहा है। जी ठीक है विभांशु, वोटिंग के परसेंटेज तो जारी हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के बीच भी लगातार मौजूद है, तो जो युवा है वो इस वोटिंग में कितनी भागीदारी दिखा रहे हैं या कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हर एक वर्ग घरों से निकलकर अपनी व्यवस्थाओं से
मतदान स्थल पहुंच रहा है और मतदान स्थल पर पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच अंदर पोलिंग स्टेशन में जाकर अपने मतों का प्रयोग कर रहा है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत 37 जिलों में और साथ ही साथ दूसरे फेज में भी मोबाइल का प्रवेश वर्जित किया गया है। तो मोबाइल लेकर सभी जो वोटर्स हैं जो मोबाइल लेकर आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें तो लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जो डीएम को कमान दिया गया है और साथ ही साथ 37 जिलों के डीएमओ को जो जिला निर्वाचन अधिकारी के कमान दिया गया है वो पूरी सक्रियता के साथ बूथों पर जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया टीम भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है कि किसी तरह का फेक न्यूज फॉल्स न्यूज न फैले जिससे अराजकता हो सके। ठीक है, तमाम जो मतदान केंद्र है उसके बाहर की तस्वीरें हमने देखे, हिंसक झड़प हुई है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अगर बात की जाए मुस्कान तो प्रदेश के अंदर में ऐश बाग स्थित एक मतदान स्थल पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा वोट देने जाते हैं, फिर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात का आरोप लगाया जाता है कि दिनेश शर्मा कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक नोकझोंक हुई मगर पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से भीड़ को वहां से हटा लिया गया और अब स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर है। वहीं अगर बात की जाए तो लखीमपुर में एक हड़प झड़प देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो आगरा के अंदर में फॉल्स वोटिंग का मामला सामने आया है, उजागर हुआ है, अब इस पर जांच हो रही है। वहां के जो तमाम अधिकारी हैं और वो इसको जांच कर रहे हैं, जिसमें वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि जो स्याही है, जो स्याही लगाई जाती है मतदान के बाद उसको बाहर बैठे कार्यकर्ताओं के द्वारा मिटाकर। ठीक है, धन्यवाद दुभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी जारी हो चुका है और लगातार जो जनता है वो अपने घरों से निकल कर अब मतदान केंद्र की तरफ लगातार पहुंच रही है ताकि वो इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। चंदौली में निकाय चुनाव में फर्जी मतदान का भी मामला अब सामने आया है। चंदौली में भी समर्थकों और प्रत्याशियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पुलिस ने 5 महिला समेत 4 युवकों को उस दौरान हिरासत में भी लिया है। तो पुलिस ने 5 महिलाओं के साथ ही 4 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। प्रत्याशियों ने निष्पक्ष मतदान पर अब सवाल भी उठाए हैं क्योंकि फर्जी वोटर्स को इस दौरान गिरफ्तार किया है। चंदौली सदर के बूथ नंबर 5 का ये पूरा मामला बताया गया है जहां पर फर्जी वोटर्स को गिरफ्तार किया गया है। निकाय चुनाव में फर्जी मतदान का मामला अब चंदौली से भी सामने आया है। तो लगातार समर्थकों और प्रत्याशियों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला है। तो लखनऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो वोटिंग है वो लगातार जारी है, आप मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदान दिया है। आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है। प्रकाश बाल विद्या मंदिर गोमती नगर में उन्होंने अपना वोट डाला है। तो आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने भी वोट डाला है और लखनऊ में लगातार वोटिंग जारी है जो कि 6 बजे तक चलेगी। आप मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं आपको बताते चले कि अंजू भट्ट ने प्रकाश बाल विद्या मंदिर गोमती नगर में अपना वोट डाला है। तो लखनऊ में जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी पहुंचे बंथरा स्थित डबल पब्लिक स्कूल। तो लगातार पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग जारी है, मतदान स्थलों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं जेसीपी क्राइम ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। तो जेसीपी क्राइम ने यह बड़ा बयान दिया है कि मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी बंथरा स्थित डबल पब्लिक स्कूल पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि लगातार जो मतदाता है वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। पीटासीन अधिकारी द्वारा लोगों से बातचीत करने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कोई भी जो नतीजा है वो नहीं निकल पा रहा है और वही मतदाताओं को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं हो रही है, ये दावा जेसीपी क्राइम द्वारा किया गया है।
तो जेसीपी क्राइम नीलावजा चौधरी बंतरा स्थित डबल पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां वो पोलिंग बूथों का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। तो लखनऊ में सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। सपा की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक पत्र लिखा गया है। प्रताप की नगर पंचायत कुंडा क्या संज्ञान लेने का कष्ट करे, सपा द्वारा ये पत्र लिखा गया है। एमएलसी और उनके साथियों पर लगा मतदाताओं को धमकाने का आरोप। तो सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है और पत्र में इस दौरान चुनाव आयोग से अपील भी की गई है कि प्रताप की नगर पंचायत कुंडा का संज्ञान लेने का कष्ट करे राज्य निर्वाचन आयोग। इस दौरान सपा ने पत्र में लिखा है कि एमएलसी और उनके साथियों द्वारा मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। तो लखनऊ में सपा ने मीडिया सेल से ट्वीट कर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। तो सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर भाजपा दफ्तर की स्क्रिप्ट पर ही काम कर रही है। सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखा जा रहा है। सपा के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। तो सपा ने मीडिया सेल से ट्वीट कर चुनाव आयोग पर एक बड़े सवाल उठाए हैं। इस दौरान चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो भाजपा दफ्तर की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जो प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। ये वही ट्वीट है जिसपे सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर भाजपा दफ्तर की स्क्रिप्ट पर ही काम कर रहा है और पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित भी रखा गया है। तो ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट है जो किया गया है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग पर भी बड़े सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर भाजपा दफ्तर की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। तो सपा द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है और भाजपा के स्क्रिप्ट पर काम करने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है चुनाव आयोग पर। उसके साथ ही एक मतदान की तस्वीर भी साझा की गई है। पूरे ट्वीट के नीचे एक तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें निर्वाचन आयोग पर सपा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरीके से असक्षम है। यानी कि यूपी में निकाय चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर सपा ने कहा है कि जो मतदाता है उनको मताधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, राज्य निर्वाचन आयोग पर एक सपा ने बड़े सवाल खड़े करते हुए एक ट्वीट किया है, क्या कुछ है उस ट्वीट में बड़ा? जी, आपको बता दें कि जहां एक तरफ निकाय चुनाव का आज मतदान चल रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी जा रही है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि प्रतापगढ़ की नगर पंचायत कुंडा में गलत तरीके से समाजवादी पार्टी के विरोध में वोट दिलवाया जा रहा है। और इसके विरोध में अगर बात करें तो एमएलसी अभय प्रताप सिंह और उनके साथियों के द्वारा धमका कर और प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है। और लेकिन विभांशु, लगातार समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया जा रहा है कि प्रदेश के जो 37 जिले हैं जहां पर वोट हो रहे हैं वहां पर धांधली हो रही है, वहां पर मतदाताओं को रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अगर बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरविंद कुमार सिंह की तरफ से एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया गया है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ वोटिंग कराई जा रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है। और साथ ही इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक सूचना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के माध्यम से और साथ ही साथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है और जिस पर चुनाव आयोग का ये रिप्लाई आया है, जवाब आया है कि हम चुनाव को निष्पक्ष करवा रहे हैं और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और साफ अब देखने वाली बात ये होगी कि पत्र के बाद समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहता है।
क्योंकि लखनऊ के अंदर में भी कहीं ना कहीं सपा के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग वार्डो पे अलग अलग बूथों पर कहीं ना कहीं एक आरोप लगाते नजर आए हैं कि अफसर और साथ ही साथ शासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिला रहे हैं। अब ठीक है धन्यवाद दुभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिख रही है कि वो निष्पक्ष चुनाव यूपी में कराए। तो लखनऊ में निर्दलीय प्रत्याशी पर लगा मतदाता को थप्पड़ मारने का आरोप। जी हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी पर एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। मतदान करने पहुंची बुजुर्ग महिला को निर्दलीय प्रत्याशी ने थप्पड़ मार रहा है, इसकी खबर भी है। नगर पंचायत वार्ड नंबर 16 में निर्दलीय प्रत्याशी पर यह आरोप लगाया गया है। बुजुर्ग महिला ने निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ पुलिस को दी लिखित शिकायत। ये वही बुजुर्ग महिला है जिसको थप्पड़ मारा गया है, जिसको लेकर महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामले की जांच का आश्वासन भी दिया है। बख्शी का तालाब के नगर पंचायत वार्ड नंबर 16 का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला जब मतदान करने पहुंचती है तो उसको निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा थप्पड़ मार दिया जाता है। तो निर्दलीय प्रत्याशी पर बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। ये बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा महिला को थप्पड़ भी मार दिया गया है। जिसके बाद ये वही महिला है जिसकी लिखित तहरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जिसके बाद पुलिस ने यह साफ तौर पर कहा है कि अब इस पूरी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। तो